हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार 11:11 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी के ऊपर, और ट्विन फ्लेम में डीएफ की भी एनर्जी देखेंगे कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। ठीक है, ये पूरा वीडियो एक कलेक्टिव रीडिंग रहेंगी, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा रेजोनेट और बहुत सारे लोगों के साथ ये नहीं होगा। डीएम की एनर्जी अच्छी है, थोड़ी बहुत ठीक है फेमिनिन के लिए, और फेमिनिन की एनर्जी भी थोड़ी डिस्टर्ब वाली है। तो डिटेल में वीडियो को देखेंगे। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले फेमिनिन की बात करेंगे तो डीएफ आपके लिए ये समय जो है वो बहुत अजीब सा है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चेजिंग की एनर्जी में हैं। हो सकता है जो न्यू डीएफ है वो हो सकती है चेजिंग की एनर्जी में, लेकिन मैं यहाँ पे बैलेंस वाले डीएफ की ही बात कर रही हूँ। वो बिल्कुल भी चेजिंग की एनर्जी में नहीं है, बट कहीं ना कहीं डीएफ का बैलेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब ये कुछ फेमिनिन की एनर्जी हो सकती है। ओके, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया कि ये कलेक्टिव की एनर्जी है, तो फेमिनिन आपको बैलेंस बनाना है जिन भी फेमिनिन का डिसबैलेंस एनर्जी है। ठीक है, ये जो डिसबैलेंस एनर्जी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे डीएम डीएफ का रीयूनियन हो चुका था, वहाँ पे फेमिनिन फिर से वही एनर्जी में चली गई थी। जैसे पहले की तरह सब कुछ डीएम के लिए करना, अवेलेबल रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा करना, कहीं ना कहीं वो अपने डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरफ मुड़ने लगी थी। ओके, तो इसी की वजह से यहाँ पे फिर से एनर्जेटिक लेवल पे डीएम डीएफ में सेपरेशन आना शुरू हो गया था। बहुत सारे डीएम बहुत अच्छे एनर्जी में आए थे, उसके बाद उनकी एनर्जी तुरंत चेंज हो गई क्योंकि फेमिनिन की एनर्जी भी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। तो ये जो हमारी फेमिनिन है ये बैलेंस वाली डीएफ थी, क्योंकि इनकी जो अवेयरनेस है ये बड़ी हुई है, इनकी जो मतलब इन्होंने अच्छा काम किया है, तो इन्हीं के वजह से इनको जल्दी ही समझ में आया कि कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ तो सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी जो हमारी फेमिनिन है इस फेज से निकलने की कोशिश कर रही है, और बहुत सारी ऐसी डीएफ है जो निकल चुकी है। ठीक है, अभी भी अगर आपको 69 बहुत 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 ज़्यादा दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके लिए है। जब आप यहाँ से निकल जाएंगे तो 69 दिखना आपको बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी फेमिनिन है बैलेंस बना रही है और फिर से अपने सोल से कनेक्ट हो रही है, फिर से अपने शक्ति एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। डीएम को उन्होंने सरेंडर कर दिया है, एक जो बोलते हैं ना कि अब वो सच में फिर से गोविंद फ्लो की एनर्जी में फ्लो हो रही है। ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के सराउंड अभी चल रही है, ज़्यादा उनका माइंड भी चल रहा है, क्योंकि अभी जो 25 को हमारा 777 की एनर्जी बढ़ चुकी थी, इसी की वजह से ये माइंड की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही थी। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन का जो सेल्फ लव है वो भी कम हो गया था, कहीं ना कहीं उनका ईगो भी बार बार बीच में आ रहा था, दिमाग से चीज़ें ले रही थी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही थी। बहुत सारे डीएफ के साथ ये भी हो रहा है कि वो डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही है, और उनकी जो डीएम एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब आप 3D में बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं, लॉजिकल माइंड आपका ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, तो इसको भी आपको बैलेंस करना है। तो फेमिनिन आपको देखना है कि क्या वो चीज़ है, क्या कोई एडिक्शन है, या क्या कोई आपके खुद के माइंड का मैनिपुलेशन है जो आपको एक अननोन सी एंजाइटी दे रहा है, फियर दे रहा है, लेजीनेस दे रहा है, या एक फोकस करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ फेमिनिन इस एनर्जी से ऊपर उठ चुकी है और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ वो जा चुकी है, क्योंकि उनको समझ में आया है कि डीएम आए ना आए हमें बैलेंस नहीं छोड़ना है। तो कई बार यूनियन के बाद जब आपका यूनियन होता है रीयूनियन, तब डीएम डीएफ के बीच में चीज़ें बहुत सही से चलती है, लेकिन जब डीएम आते हैं तो कई बार डीएफ की जो एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन उनको बैलेंस में आने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि उन्होंने पहले काम किया होता है। ठीक है, फेमिनिन इस वक्त आपके शैडोज़ बहुत ज़्यादा ऊपर आएंगे,
या आपका जो पेनफुल पास्ट होगा आपके डीएम के साथ या कार्मिक के साथ, वो भी वापस आएगा। कार्मिक आपके आपके वापस आएंगे तो आपको न्यू एनर्जी में टैपन करने से पहले अपने सारे ओल्ड पैटर्न या ओल्ड जो भी पास्ट हर्ट है, वूंड्स है, या दुख है, दर्द है, जो भी आपने दबा के रखा है, नेगेटिव इमोशन है, उसको आपको रिलीज़ करना होगा। इस वक्त आपको एक स्टक एनर्जी में डालने की कोशिश करेंगे आपके कार्मिक या आपका पुराना जो ओल्ड पास्ट है वो, ओके। तो आपको उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि अगर आपको स्टक फील हो रहा है, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रही है, अगर आप अपनी जर्नी में ठहराव महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ आपने होल्ड करके रखा है, कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आप ओवरथिंक कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो भी अंदर है आपके सबकॉन्शियस माइंड लेवल तक जो आपकी जर्नी में आपको स्टक फील करवा रहा है। एक अकेलापन आपको फील हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि आने वाला हमारा 8-8 पोर्टल है, उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, और हर एक ट्विन फ्लेम के लाइफ में 8-8 पोर्टल के बाद आपको चेंज दिखता ही दिखता है। जैसा आपका काम होगा बिल्कुल उसी तरह के रिजल्ट आपको 8-8 पोर्टल के बाद मिलेंगे, ओके। तो आपको पास्ट को रिलीज़ कर देना है। तो डीएफ, आपको इस टाइम अपने सैक्रल पे काम करना है, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन का वूम हीलिंग का टाइम है, वूम एक्टिवेशन का टाइम है, जिसे हम योनि एक्टिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको अपने सैक्रल और सोलर पे काम करना है, आपको अपने अंदर की जो फायर एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना है इस टाइम। एक तरह से बोलूँ तो आपको लोअर चक्रा से कनेक्ट होना है, ताकि आपके अंदर अगर डीएम या डीएफ की एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस है तो वो बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं मैस्कुलिन का क्या हाल है। सबसे पहले तो मैस्कुलिन के तरफ से फेमिनाइन, आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या टेक्स्ट या ऐसा कुछ आपको दिख सकता है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपके जो डीएम हैं आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। डीएम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। इसके मैसेज भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, कोई साइन, कोई नंबर, कोई सिंक्रोनिसिटी या गाना या ऐसा कुछ भी आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा, क्योंकि सच में आपके डीएम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डे बाय डे डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो जो है वो शटर हो रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन अपने अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कार्मिक अटैक या कार्मिक सिचुएशन को वो हैंडल करते करते डीएम को ये क्लियर समझ में आ चुका है कि उन्होंने क्या चूज़ किया है। जैसे जैसे डीएम का कर्मा इस वक्त रिलीज हो रहा है करंट सिचुएशन में, वैसे वैसे डीएम अपने डिवाइन फेमिनाइन से मर्ज हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इनर डीएम की डीएफ की बात कर रही हूँ, ओके। सबसे पहले वो अपने इनर डीएम से, सॉरी डीएफ से ही मर्ज होते हैं। तो मर्जिंग इस वक्त बहुत सारे डीएम डीएफ के बीच में चल रही है, तो बहुत सारे फेमिनाइन सोल मर्जिंग को भी फील कर सकते हैं। मैंने सोल मर्जिंग पर वीडियो डाला है, अगर आपको उसके साइन जानने हैं तो आप देख सकती है, ठीक है। जितना वर्क डिवाइन फेमिनाइन अपने चक्रा पे कर रही है, बिल्कुल उसका असर आपको अपने मैस्कुलाइन के ऊपर भी देखने को मिलता है। अपने आप उनके चक्रास पे काम चल जाता है, क्योंकि आप और उनके सोल एक है और आपके चक्रास भी सेम होते हैं। तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगी उतना असर आपको आपके मैस्कुलाइन के अंदर देखने को मिलेगा, और तब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे मैस्कुलाइन में कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कैसा काम करती हैं। डीएम अपने हर एलिमेंट को कनेक्ट हो रहे हैं, हर अपने एलिमेंट से कनेक्ट होने जा रहे हैं। कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, मूड स्विंग या बहुत ज़्यादा इमोशनल या हैप्पी या सैड, ये सारी बातें मैस्कुलिन के साथ हो रही है। अगर उनके लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट है जहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ आपको दिख रहा है, तो डीएम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुश रहूँ, मैं हैप्पी रहूँ, मैं इस मोमेंट में रहूँ, या मैं इस सिचुएशन या जो भी मोमेंट चल रहा है मैं इसको एंजॉय करूं, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, पता नहीं अंदर से कुछ तो भी खाली है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, ये है वो है, लेकिन मैस्कुलिन को इनर पीस कहीं भी नहीं मिल रहा है इस टाइम, ठीक है। क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने फेमिनिन को याद कर रहे हैं, तो फेमिनिन हो सकता है कि ये सेम एनर्जी आप भी फील कर सकती है, जैसे कि
आपको चिड़चिड़ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, आप इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है, आपको एक टाइम हैप्पी एक टाइम सैड ऐसी एनर्जी भी आप फील कर सकती है। एक अजीब अजीब सा आपको खालीपन फील हो सकता है, काम में मन ना लगना या काम ना करना, या बहुत मतलब आपको लग सकता है कि कुछ तो भी छूट रहा है, बहुत जो मेरे लिए ज़रूरी है कुछ तो भी लाइफ से छूट रहा है। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है जो आप पिक करेंगी। और हाँ, आपको सेक्सुअल एनर्जी भी अपने डीएम की पिक हो सकती है, फील हो सकती है अचानक से, और ये जब फील होंगी तो आप मतलब बहुत ज़्यादा होंगी, आप इसको बेयर नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसे हैंडल कैसे करूँ, और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगेंगी अपने मैस्कुलिन की। ठीक है, अचानक से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, तब भी आपको अगर फील होता है तो ये उनकी एनर्जी है। जिस तरह से फेमिनाइन न्यू एनर्जी में टैपिंग हो रही है वही डिवाइन मस्कुलाइन के साथ हो रहा है। डीएम भी इसी एनर्जी में इसी न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं या उन्हें रेडी कराया जा रहा है। ये समय हो सकता है फेमिनाइन आप शिफ्ट करो अपनी जगह से जहाँ आप रहते हो, डीएम से थोड़ा दूर, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, या हो सकता है आप जिस जगह पे रह रही है अचानक से आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप घर चेंज करें और आप अपने डीएम से और थोड़ा दूर हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये भी आपकी जर्नी का पार्ट है। जैसे होता है कि डीएम सबसे पहले जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो आप डीएम से दूर जाती है, तो डीएम जब पीक पॉइंट पे आता है तो आपको भी डीएम से थोड़ा दूर भेज दिया जाता है ताकि आपकी वैल्यू उनको और ज़्यादा समझ में आए, और साथ में इस कनेक्शन को और ज़्यादा वो डीप में जानेंगे, क्योंकि जब तक आपके बीच में सेपरेशन या कट ऑफ वाली सिचुएशन नहीं आएंगी तब तक आपके मैस्कुलिन को इस कनेक्शन की जो गहराई है वो समझ में नहीं आती है। तो कई बार डीएम डीएफ को इसी वजह से दूर किया जाता है ताकि डीएम को समझे कि क्या होती है क्रेविंग, क्या होता है अगर वो ना दिखे, और क्या होता है जब आप उनके लाइफ से पूरी तरह से निकल जाएं। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन डीएम के लाइफ से निकल जाते हैं तो उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता, सब कुछ बिखर जाता है, जो भी उनकी ईगो ने बनाया होता है, जो भी उन्हें लगता है कि कार्मिक उनके लिए सही है, सबके फेस रिवील होने लगते हैं और सब कुछ मतलब क्लियरिटी उन्हें मिलने लगती है, क्योंकि हीलिंग नाम की कोई चीज़ उनके लाइफ में नहीं मिलती, नहीं रहती, बिकॉज़ क्योंकि हीलिंग तो उन्हें अपने फेमिनाइन से ही मिलती है। ठीक है, तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी है। कि सेल्फिश उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन है ये वाली, ये बिल्कुल अपने सेल्फ लव पे है, अपने ऊपर फोकस है, अपने जर्नी पे फोकस है, और इनके जो डीएम है वो अनअवेकन है, तो उनके दिमाग का ये थॉट है कि वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो माइंडेड है और वो बातें भी उसी तरह की करते हैं। जिस तरह से फेमिनिन फिर से अपने ऊपर फोकस शिफ्ट कर रही है, बिल्कुल डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, उनका भी फोकस अब कार्मिक से हटकर अपने फेमिनिन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और ये तो सच बात है कि डीएम चाहे कितना भी कार्मिक में रहे लेकिन वो चूज़ अपने फेमिनिन को ही करेंगे, क्योंकि जब डीएम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, आप दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ था, सोल शॉक हुआ था, या बहुत सारी गंदी वाली बातें या जो भी कम्युनिकेशन हुआ था, इसके वजह से डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत सारा रिग्रेट हो रहा है करंट सिचुएशन में। डीएम सारी पुरानी बातों को, जो भी उन्होंने आपको बोला है, उनको रिमाइंड कर करके रिग्रेट उनको हो रहा है, जो जो बोला था। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे सोल शॉक जब हमारा नज़दीक आता है या सेपरेशन होता है तो डीएम बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, तो उसी बात का रिग्रेट मैस्कुलिन को हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनको उन्होंने चूज़ किया था वो है कार्मिक, और इनर पीस या इमोशनल हीलिंग उन्हें सिर्फ डीएफ से मिलती है, कार्मिक से तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ये मुझे ज़्यादातर उन लोगों के लिए लग रहा है जो बहुत ज़्यादा उनका लॉन्ग डिस्टेंस है, या उनके डीएम जो है वो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, तो कार्मिक से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ये बात उन्हें समझ में आ रही है, क्योंकि इस टाइम अगर कलेक्टिव में बात करूँ तो मैस्कुलिन को इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, वो बहुत आपको याद कर रहे हैं फेमिनाइन, आपके बारे में वो सोच भी रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा डीएम खुश है या वो थर्ड पार्टी के साथ है, वो मज़े कर रहे, वो फ़ोटो डाल रहा है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, डीएम इमोशनल है, उन्हें इमोशनल हीलिंग चाहिए, वो बहुत सैड है, उन्होंने बस एक मास्क लगा के रखा है, उन्हें लगता है कि दोनों के बीच में बहुत लंबी दूरी आ चुकी है, सेपरेशन आपका बहुत लंबा हो चुका है, तो एक मास्क लगा कर घूम रहे हैं मैस्कुलाइन अंदर से, मतलब मून की एनर्जी, और बाहर से दिखा रही कि हाँ मैं सन की एनर्जी में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको याद कर रहे हैं, उन्हें एंजाइटी हो रही है, वो परेशान है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक आपके लिए कर रहे हैं। अचानक से आप बीच बीच में अपनी डीएम की एनर्जी पिक कर सकती है, हो सकता है फेमिनिन आपको बीच बीच में पर्जिंग भी हो, तो ये बिल्कुल आपके डीएम की एनर्जी होंगी, क्योंकि डीएम इस टाइम आपके लिए इमोशनल है। तो कुछ नंबर है फेमिनिन आपको दिख सकते हैं, 69111111 1010 10222555999 और 888, ये सारे नंबर आपको दिख सकते हैं। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी और आपकी डीएम के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। यही था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।